यस एवरी वन तो गाइस एग्जाम है और एग्जाम में ना बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं मैम कब तक का क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स का छह महीना एक साल डेढ़ साल तो गाइज एक्चुअली ना क्या होता है कि करंट अफेयर्स जो है वो दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट इट इज एन इमोशन तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसको समझे जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स को लेकर लिखा हुआ है हमें जैन मंथ है ना तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि यार ये कैसे करेंगे अगर मान लो बीपीएससी की बात करें तो सितंबर में एग्जाम है मैडम तो बोलेंगे ही कि जनवरी से लेकर बेटा सितंबर के एंड में एग्जाम है सेप्टेंबर तक कर लो नौ महीना तो ऐसे ही हो गया और मैडम ये नहीं बताएंगी कि, कि जनवरी का करेंगे कहा सर बताएंगी मैडम यहीं पर आ गई मैडम बताने के लिए ठीक है सब कुछ कर लेंगे एम करेंगे तुमको तो पता है धड़ाधड़ हम एमसी करते हैं है ना तो एमसीक्यू करेंगे उसके साथ साथ एक हफ्ता मंथन मैगजीन है तुम परेशान हो कि अब इतना मैगजीन का इससे पढ़े तो वो भी यहाँ पे होगा और उसके बाद जैसे हम डिवाइड करते हैं कि स्पोर्ट्स अवार्ड अपॉइंटमेंट बुक्स ये सारी चीजें भी कवर करेंगे बीपीएससी में वन लाइनर का भी इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग वाला भी इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोलेंगे कि डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करो उसमें पुराना भी अंडरस्टैंडिंग को हम अंडरस्टैंड करवा देंगे और जो पुराने करंट अफेयर्स जो छूट गए हैं वन लाइनर्स के लिए एकदम सबसे बढ़िया है ठीक है तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बातें हो गई बहुत सारी

जो है इन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किया है ताकि बच्चों को एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले यहां पे मैं जल्दी जल्दी एमसीक्यू uh, करवा रही हूं तो मत सोचेगा कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूं ठीक है इंडियन साइबर कांग्रेस के बारे में बात है तो कौन सा ऐसा स्टेट पुलिस है जो कि कह रहा है कि हमने लॉन्च किया है साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव तो आप जल्दी से बताएंगे कि कौन से स्टेट पुलिस ने साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है इनिशिये हो गया आपका तेलंगाना नेक्स्ट नेक्स्ट इनको देखिएगा इनका नाम क्या है तो इनका नाम बेसिकली आप बताइएगा क्वेश्चन है कि ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है ठीक है तो इनका नाम क्या है ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का इनका नाम है मारिया ब्रिन्यास मारिया ब्रिन्यस मोरेरा मरिया ब्रनियास मोडेरा ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे आपको एक और पिक्चर दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि हु हैज बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन

निशानेबाजी वाली होती है ठीक है तो इसके वर्ल्ड कप के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया है तो यहाँ पे हम इन्होंने किसको ए के कि अर्जुन कुमार सिकड़ी को यहाँ पर बनाया गया है नेक्स्ट हम देखेंगे इनका भी पिक्चर आप देखिए पिक्चर्स में इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी याद रहे है ना तो पिक्चर्स आप देखें सीईओ और को ठीक है तो कौन सा ऐसा कंपनी है जिसके सीईओ और को फाउंडर भी रह चुके रीड हेस्टिंग इन्होंने रिजाइन कर दिया है, के ये है ना इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ले लो आ, क्या होता है प्राइवेट जॉब में आप कितने भी मन से काम करें एक दिन टाटा बाय बाय हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में जीवन आप वहीं पर आते हैं जीवन उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता है तो आप देखेंगे टॉप टेन स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड तो ब्रांड की बात करें तो भारत में टॉप जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है इसमें आप देखें तो टॉप किसने किया है रिलायंस जियो ने किया है इसमें आपको कोई डाउट नहीं है रेफ्यूजी को वेलकम करने के लिए तो रेफ्यूजी वेलकम के लिए यहां पे देखिएगा वेलकम कॉर्प स्कीम टू ऑफर सेंचुरीज टू रेफ्यूजी यानी कि जगह दिया जाएगा रेफ्यूजीज को ये अमेरिका अमेरिका जो है ये दे रहा है इसके लिए इनको अवार्ड भी किया दिया गया है ठीक है तो बेसिकली रेफ, वेलकम कॉर्प रेफ्यूजी को वेलकम करने के लिए अमेरिका ने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे क्या क्वेश्चन है आईसीसी ने रिपोर्ट किया है कि नियरली कितने हाउ मच अमाउंट का ऑनलाइन स्कैम हुआ है अच्छा इसमें एक बार अंदाजा लगा के बताइए तो जरा अंदाजा लगा के बताइए तो जरा है ना हम्म ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आप देखें तो यूएस डॉलर टू पॉइंट फाइव मिलियन का यहां पे स्कैम हुआ है नेक्स्ट हम देखेंगे इंटर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 की बात है तो आठवां एडिशन है इं, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये कहां पे हुआ तो ये आपका भोपाल में हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत सरकार जो है ये हरी झंडी दिखा रही है और ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस के बस को दिखा रही है तो बिल्कुल पार्सल के के डिलीवरी लिए दिखा रही है तो इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया है तरंग तरंग मेल ये तरंग मेल सर्विस किस चीज के डिलीवरी के लिए तो डिलीवरी ऑफ पार्सल कौन सा स्टेट है जो यहाँ पे हरी झंडी दिखा रहा है गुजरात है जो की यहाँ पे हरी झंडी दिखा रहा है फिर इनका आप पिक्चर देखिएगा और इनका पिक्चर देख के आप बताएंगे की ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एनडीएनसीओ है जिनका नाम है संज संजीव चड्डा ठीक है देखो जितने भी एंड ना, जो रीसेंट है, उतना नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ आ सकते हैं तो अपॉइंटमेंट वाले में हम इसको कवर कर देंगे और अपडेट भी कर देंगे इसलिए बोलते हैं कि डेली करेंट अफेयर देखो अभी संजीव चड्डा है बैंक ऑफ बड़ौदा के फिर बदल जाएंगे तो फिर इसलिए अपडेट रहना पड़ेगा है ना हाँ कुछ कुछ चीजें जैसे कि आपका रैंक हो गया या अपॉइंटमेंट हो गया तो ये सब में ना अपडेशन जरूरी होता है तो नोट्स भी उसी प्रकार से बनाइएगा ठीक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन एनवायरनमेंट एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के कौन है तो इनका नाम है इंगर एंडरसन इंगर एंडरसन ये जो इनका आपने पिक्चर देखा इन्हीं का नाम है एंडरसन एंडरसन इनका नाम है यंगर ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यू एन ई पी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की है इसको आप याद रखेंगे नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है और ये एक समारोह का पिक्चर दिख रहा है क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो इंटरनेशनल मिलेट एंड ऑर्गेनिक्स देखिए इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल एक बात याद रखेगा दो हजार तेईस के लिए जो आपका बाजरा है बहुत जरूरी है है ना क्योंकि बाजरा जो है जिसको मिलेट कहते हैं मिलेट का इंटरनेशनल ईयर मनाया जा रहा है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा जा रहा है क्यों क्योंकि इसमें पानी कम है चीनी कम है सुना होगा पानी कम है बेसिकली इसको उगाने के लिए पानी कम पानी के इस्तेमाल में भी ये उग जाता है तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड मिलेट का इसको मनाया जा रहा है ये बेंगलुरु में हो रहा है बेंगलोर बेंगलुरु बेंगलोर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम याद रखेंगे बासव राज इनका नाम है नेक्स्ट हम देखेंगे पोलर नाइट एनर्जी पोलर

पराक्रम दिवस जो है बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है, तेईस जनवरी है पराक्रम दिवस इसको आप याद रखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे तो तेईस जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट तो भारत में नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है इसको इनोग्रेट किया गया है कहाँ पे तो चंडीगढ़ में इसको इनोग्रेट किया गया है बनवारी लाल राज पुरोहित जी जो कि गवर्नर हैं पंजाब के है ना और गवर्नर है भगवत मान यहाँ के सीएम है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट 2000 किलो वॉट का ठीक है के का यहाँ पे वाटर वर्क में चंडीगढ़ में इसको बनाया गया है नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे काम चल रहा है और ये काम जो है विथ स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज गोइंग टू होस्ट सरस मेला 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम तो सरस मेला जो है ये कौन होस्ट करने वाला है सरस मेला जम्मू एंड कश्मीर इसको होस्ट करने वाला है नेक्स्ट आप देखेंगे एक पिक्चर आपको दिख रहा है और ये बात है कि हंड्रेड डेज टू बीट प्लास्टिक तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने कैंपेन लॉन्च किया है कि सौ दिन में हम एकदम प्लास्टिक का चकाचक बंद कर देंगे दिल्ली ने कहा है दिल्ली में अभी आपने जो पिक्चर देखा था वो वी सक्सेना जो की लेफ्टिनेंट गवर्नर है इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ही दिल्ली में प्लास्टिक को बंद मोदी जी है स्कूल के बच्चे हैं है ना तो यहाँ पे आप देखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 21 एक्सेप्शनल बच्चों को दिया गया है और यहाँ पे ये विज्ञान भवन में इनको दिया गया है नेक्स्ट हम देखेंगे एक और पिक्चर आपको दिख रहा है प्रोफेसर भारत भारत इनका नाम है भास्कर जी भारत भास्कर जी को अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर के रूप में तो नए डायरेक्टर जो है ये कौन है तो ये आई एम अहमदाबाद के नए डायरेक्टर हैं ठीक है कृषि महोत्सव कृषि महोत्सव जो है ये आपका कहां पे तो दो दिन का ये इवेंट है कृषि महोत्सव का और यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्रदर्शनी एवं आ, परीक्षण इसकी बात की जा रही है प्रदर्शनी एवं परीक्षण और ये कहां पे होगा तो यह आपका होगा राजस्थान में ठीक है है तो इसका मेन एजेंडा कि कोटा डिवीजन एडवांस एंड लीडिंग फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है नेक्स्ट देखें जूस मिशन जूस मिशन क्या है तो जूस मिशन जो है जूस पे मिशन ये आपका किस जगह से एसोसिएटेड है तो देखेंगे ये, ये यूरोप से एसोसिएटेड है प्लीज नासा पे एक मत कर दीजिएगा ये जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर इसका नाम है और ये आपका एजेंसी है स्पेस पोर्ट जो कि फ्रेंच ग्वेना से शुरू होगा साउथ अमेरिका में है फ्रेंच ग्वेना और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये जूसी मिशन को स्टार्ट किया है और बेसिकली यहां पे एरिने फाइव ये जो है विल कैरी द सैटेलाइट ठीक है चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट को आगे बढ़ते हैं हम तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत के भारत में एक किताब को लॉन्च किया गया है इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी ठीक है तो भारत में नॉलेज सुपरमेसी को लॉन्च किया गया है द न्यू डॉन ठीक है तो ये पुस्तक के लेखक कौन है इनका नाम है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप पाइपलाइन स्टार्ट हो चुका है ताकि डीजल दिया जा सके तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन भारत और किसके साथ तो हमने डीजल देने के लिए बांग्लादेश के साथ स्टार्ट किया है डीजल के सप्लाई के लिए ये साल के देखिए आप लोग तो क्या कहते हैं कि जनवरी का करंट अफेयर अब ये तो जून के एंड में इसको बनाया जाएगा तो ये तो पूरे साल का हो गया ना सिर्फ जनवरी का थोड़ी हुआ ठीक है चलेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बैक द डेप रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफ श्रीलंका तो कहा जा रहा है कि भाई श्रीलंका को बहुत ज्यादा ऋण की जरूरत पड़ी थी श्रीलंका में आपको पता इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे तो उसके पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला अपना देश कौन सा है तो ये हम अच्छा काम कौन करता है भारत तो भारत ने ही अभी क्या किया है फिनेंशियल एश्योरेंस दिया है आई को ठीक है ताकि धीरे धीरे रिस्ट्रक्चर हो सके श्रीलंका के सारे डेप्ट फाइन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक रेड रिबन आपको दिख रहा है और ये रेड रिबन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको ने शुरू किया है और ये ह्यूमन का इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा रेड रिबन है ठीक है तो रेड रिबन चेन ये एड्स के लिए जो हम एक दिसंबर को याद करते हैं लोग जो हैं उसके लिए अवेयरनेस की बात करते हैं ये उड़ीसा में बना है उड़ीसा में प्लीज इसको देखेंगे ऑप्शन में बिहार भी आ सकता है बिहार टिक मत कर दीजिएगा उड़ीसा में ये बना है फाइन नेशनल टूरिज्म डे तो पर्यटन दिवस जो है ये पर्यटन दिवस कब कहाँ मनाया जाता है कब मनाया जाता है तो ये आपका 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं 26 जनवरी से जस्ट एक दिन पहले और वर्ल्ड टूरिज्म डे देखिए नेशनल अलग है वर्ल्ड अलग है जैसे नेशनल टीचर्स डे हम 5 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे जो है ये आपका इंटरनेशनल टीचर्स डे ये आपका पांच अक्टूबर को होता है तो नेशनल टूरिज्म डे आपका पच्चीस जनवरी को है और वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका सत्ताईस सेप्टेम्बर को है थिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर ठीक है तो यू नथिंग लाइक वोटिंग वोटर्स डे आपका कब होता है तो वोटर्स डे आपका पच्चीस जनवरी को होता है ओके okay? वोटर्स डे पच्चीस जनवरी को चालीस परसेंट ऑफ द टोटल वेल्थ कहा जा रहा है कि भाई भारत में अगर सौ रुपए है तो उसका चालीस रुपए कितने परसेंट के पास है देखकर हो जाएगी थोड़ी सी हैरानी यानी एक परसेंट पॉपुलेशन के पास चालीस परसेंट टोटल पैसा है और अगर हम पचास परसेंट की बात करें तो देश में सिर्फ तीन परसेंट ऐसे लोग हैं जिसके पास देश का पचास परसेंट धन है

सहायता कोष सुरक्षा सहायता कोष जो है ये सीएम द्वारा लॉन्च किया गया है ये सहायता कोष बेसिकली हिमाचल प्रदेश का है कहा जा रहा है कि 101 करोड़ 1 जनवरी 2023 की ये न्यूज है 101 करोड़ यहाँ पे आउटलेट डाला जाएगा और जितने भी एम मिनिस्टर्स और एम हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी पहली सैलरी इस फंड में और बेसिकली सारे लोग जो है ये लोगों की मदद करने के लिए इस फंड को जमा किया जा रहा है ठीक है सबको अपना सैलरी फर्स्ट सैलरी देगा डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम इनका निधन हो गया है 78 74 इयर्स की हैं और ये पहली और चीफ सेक्रेटरी थी तो जनरली जो आई ऑफिसर्स बनते हैं वो चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाना चाहते हैं और ये मंजुला मंजुला सुब्रमण्यम जी जो हैं डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम जी ये गुजरात की पहली महिला सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी बनी थी दो की ये बात है और इनका निधन हो गया है वडोदरा में ठीक है वडोदरा में इनका निधन हो गया है ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर भी रह चुकी हैं गुजरात के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में मनाया जाता है ये आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है ये आपका कब मनाया जा रहा है 2023 में इसको मनाया जा रहा है क्लियर है चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे जश्न ने जश्न चिल्लाई कलन ठीक है जश्न चिल्लाई कलन जो है सीआरपीएफ ने जश्न चिल्लाई कलन इसको uh, कला मनाया गया है और यह कला जो है कब मनाया गया तो श्रीनगर में मनाया गया है जश्न चिल्लाई कलन जो है वो श्रीनगर में मनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हैज टेकन ओवर द कमांड ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स तो वेस्टर्न एयर कमांड का कमांड किसने लिया है एयर इंडियन एयरफोर्स का तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं पंकज मोहन सिन्हा इनका नाम है तो एयर मार्शल एस प्रभाकरण के बाद इन्होंने अब पंकज मोहन सिन्हा जी ने यहाँ पे वेस्टर्न कमांड का कमांड लिया है अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने प्रेसिडेंसी लिया है इंडियन यूरोपियन यूनियन काउंसिल का यूरोपियन यूनियन काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी है ये किसने लिया है अभी तो स्वीडन ने यहां पे प्रेसिडेंसी लिया है यूरोपियन यूनियन काउंसिल ठीक है तो यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग होगी उस काउंसिल की प्रेसिडेंसी किसने ली है तो ये स्वीडन ने ली है इसको आप याद रखिएगा अगला सवाल भारतीय प्रवासी दिवस सम्मान अवार्ड जो है 2023 का भारतीय प्रवासी सम्मान यहाँ पे कितने लोगों को मिला है तो सताइस ऐसे लोग हैं जो एन आर आई जिनको कहते हैं जो भारत में नहीं रहते प्रवास नहीं करते हैं तो इनको भारत में प्रवासी अवार्ड मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इसको आप याद रखिएगा ये कहाँ होगा इंदौर मध्य प्रदेश में ये होगा नेक्स्ट हम देखेंगे मोदी जी हैं है ना तो म, आ, महे, नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने एक साइंस कांग्रेस को इनोग्रेट किया है यह नागपुर में हुआ है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा यूनियन मिनिस्टर है कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रज्वल चैलेंज को लॉन्च किया है तो ये प्रज्वल चैलेंज बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए है और रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने प्रज्वल चैलेंज को लॉन्च किया है इसको आप याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगला सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है कि मिशन नाइन टू नाइन इसने स्टार्ट किया है मिशन नाइन टू नाइन बेसिकली प्रॉपर वोटिंग कराने के लिए पोलिंग कराने के लिए तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है मिशन नाइन टू नाइन ये क्वेश्चन है तो त्रिपुरा में इसको स्टार्ट किया गया है है ना बीच में बिलिंडा गेट बिलिंडा क्लार्क जो है इनका पिक्चर आ गया तो क्वेश्चन भी है कि ब्लिंडा क्लार्क जो है पहली महिला है जिनका खुद ब्रॉन्स स्टैचू बना है और ये ऑस्ट्रेलिया में बना है इसको आप याद रखेंगे फाइन तो पद्मश्री अवॉर्डी है आर के कृष्ण कुमार जी इनका निधन हो गया है ये किस कंपनी से एसोसिएटेड थे ये टाटा ग्लोबल बेवरेजेस से ये एसोसिएटेड थे तो टाटा बेवरेजेस आपको पता है टाटा टी आता है है ना तो इससे ये एसोसिएटेड थे आर कृष्ण कुमार जिनका अब निधन हो गया है ये देखिएगा तो रोहित शर्मा बात कर रहे हैं राहुल द्रविड के साथ तो बात क्या चल रही है कि भाई आपको पता है कि यो यो टेस्ट वापस से सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनने वाला है तो बिल्कुल बीसीसीआई ने कहा है कि हम यो यो टेस्ट को वापस से सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाएंगे और ये भारत भारत में जो प्लेयर्स हैं उसके फिटनेस के लिए है यो यो हो गया डेक्सा हो गया ये बोन के लिए बोन स्कैन टेस्ट है डेक्सा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे किताब है ये किताब है ब्रेकिंग बैरियर्स और किताब में क्या कहा गया है कि नया किताब है ब्रेकिंग बैरियर्स ये स्टोरी है दलित चीफ सेक्रेटरी क्या और ये किताब लिखा गया है किसके द्वारा तो काकी माधव राव द्वारा ये किताब लिखा गया है इसको आपको याद रखना है डीआरडीओ डीआरडीओ ने डीआरडीओ के बारे में क्या क्वेश्चन है तो पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ की जो स्थापना दिवस है पैंसठवा स्थापना दिवस डीआरडीओ मना रहा है और ये कब मनाया जा रहा है पैंसठवा सिक्सटी फिफ्थ मनाया जा रहा है एक जनवरी 2023 को डीआरडीओ अपना पैंसठवां स्थापना दिवस मनाएगा वर्ल्ड इंट्रोवर्ड डे तो इंट्रोवर्ड डे जो है ये दो जनवरी को जो लोग कम बोलते हैं उनके लिए है इंट्रोवर्ड डे नेक्स्ट तो सवाल है कि ब्रॉन्ज स्टैचू पहली महिला क्रिकेटर का कौन है तो ये बिलिंडा क्लार्क का बना है ब्रॉन्ज स्टैचू इसको आप याद रखेंगे एनएलसी ठीक है नवरत्न कंपनी है एनएलसी तो एनएलसी के बारे में देखेंगे तो बेसिकली पूछा जा रहा है इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन बने हैं वी रीसेंटली तो एनएलसी के जो चेयरमैन एंड एमडी बने हैं ये प्रसन्न कुमार मुत्तुपल्ली हैं प्रसन्न कुमार मुत्तुपल्ली ये इसके एमडी एंड चेयरमैन बने हैं ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे ये एफ1 रेसिंग का गाड़ी आपको दिख रहा होगा तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में फर्स्ट एबीबी एफआईए फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप ये रेस है ये कहां पे होस्ट किया गया है ये होस्ट किया गया है कहां पे तो हैदराबाद हैदराबाद में इसको होस्ट किया गया है एपीपीयू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन ये आपका एपीपीयू जो है ये कहाँ पे होगा इसका लीडरशिप किसने लिया है तो भारत ने अंग्रेज <coughs> सॉरी really, तो भारत ने इसका लीडरशिप लिया है इसको आप याद रखिएगा नेक्स्ट हम देखेंगे इमिनियो इमिनियो डे तो ये दिवस आपका कब मनाया जाता है ये दिवस आपका जो है ये मणिपुर में आपका मनाया जाता है क्स्ट सवाल है कि भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगा ये कलकत्ता में चलेगा ठीक है कलकत्ता में चलेगा कौन सा कंट्री है जिसने अभी सेट किया है कि ये बिल्ड करेंगे ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल तो मेमोरियल जो है ये स्कॉटलैंड में बनेगा ठीक है मेमोरियल स्कॉटलैंड में बनेगा इंडियन आर्मी ने इनोग्रेट किया फर्स्ट एवॉर्ड दो स्टोरी का थ्री प्रिंटेड हाउस तो देखिएगा थ्री प्रिंटेड से ड्वेलिंग यूनिट है और ये ड्वेलिंग यूनिट इंडियन आर्मी का है तुरंत बने तुरंत बनेगा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है ये अहमदाबाद कैंट में इसको बनाया गया है नेक्स्ट हम देखेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया है मेगा डेयरी प्रोजेक्ट इन तो ये किस कहां पे किया गया है कर्नाटका में धन धनु यात्रा फेस्टिवल ये आपका ओपन एयर थिएटर थ्रिये, फेस्टिवल है जो कि पे होगा ये आपका उड़ीसा में है ठीक है कम ठीक है लिमिटेड के कौन है तो ये अमित कुमार सक्सेना है नेक्स्ट सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी की मदर हीरा बेन मोदी जी का निधन हो गया है तीस दिसंबर को इनका एज था इनका एज हंड्रेड था ठीक है 70 मेगा 70 मेगा का मेग मेग, मांग जो मेगा वॉट देचू मेगा वॉट जल विद्युत परियोजना है यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना है ये आपका भारत और भूटान के बीच में है अगला सवाल है कि कौन बनी है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जैसे अमेरिक, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में किसे नियुक्त किया है तो अमेरिका की जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस इन्होंने नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप में किसको नियुक्त किया है तो इनका नाम है राजीव बद्याल को यहां पे डाला गया है नेक्स्ट सवाल की विच क्रिकेटर हैज बीन शॉर्टलिस्टेड एज आईसीसी मेन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो आईसीसी मेन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किनको चुना गया है इनका नाम है सूर्य कुमार यादव ठीक है सूर्य कुमार यादव को इनको चुना गया है अगला सवाल कि नीलगिरी तहर ठीक है भारत में जो इधर वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट से इन दोनों के बीच में नीलगिरी पहाड़ियां हैं नीलगिरी तहर जो है ये आपका आ, ये प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट कहां से शुरू होगा तमिलनाडु से इसको शुरू किया जाएगा तहर जो एक तरह का बकरी होता है सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल्स स्टेट जो है तो जुआरी ब्रिज जुआरी जो है गोवा में एक नदी का नाम है तो ये केबल ब्रिज बनेगा भारत का सेकेंड लॉन्गेस्ट और ये गोवा में बनेगा नेक्स्ट है पुर्तगल uh, के कैप्टन है जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो सी आर सेवन के नाम से हम इनको जानते हैं इन्होंने नया क्लब ज्वाइन किया है पहले ये मैनचेस्टर uh, यूनाइटेड में थे फिर रियल मैड्रिड में थे अब ये अल नशर में जा चुके हैं अल नशर में ये जा चुके हैं नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट्स वीमेन टीम जिन्होंने जीता खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का टाइटल तो ये हरियाणा की टीम है जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम का टाइटल जीता है नेक्स्ट हम देखें तो कौन सा कौन सा सा स्टेट है जिसने अभी मेन टीम के साथ इन्होंने साथ में मेन टीम के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स साथ में किया है 2022 तो ये कौन सा टीम है ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का ठीक है मध्य प्रदेश का ये टीम है तो मध्य प्रदेश की टीम ने क्या किया है मेन स्टेट में इन्होंने बढ़त हासिल की है तो कौन जीत चुके हैं इंडिया का पहला इंडिया का इंडिया फर्स्ट सिल्वर मेडल इन फिडे ठीक है तो यहाँ पे चेस की बात की जा रही है फिडे में चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली हो गई है कुनेरू हम्पी कुनेरू हम्पी जो है इन्होंने चेस में मेडल जीता है नेक्स्ट सवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल सुजॉय लॉल है ठीक है Who has been appointed as MD and CEO of BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD and CEO कौन बने हैं इनका नाम है सुंदर सुन्द, uh, सुंदर रमन राम मूर्ति नेक्स्ट सवाल अजय कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं वो MD and CEO बने हैं तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो MD and CEO बने हैं किस बैंक है? ये है, Indian Overseas Bank के ये हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के MD and CEO बने हैं Who has been appointed as a new foreign minister of China? तो चाइना के नए फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जा रहा है सवाल इनका नाम है किन ग्यांग किन ग्यांग ठीक है

उत्कर्ष 2.0 तो उत्कर्ष 2.0 किसने लॉन्च किया है ये शक्तिकांत दास जी ने लॉन्च किया है ये आर से रिलेटेड है मिड टर्म स्ट्रैटेजी ताकि हम रेगुलेटरी और ज्यादा स्ट्रोंग करेंगे अगला सवाल की कमिश्नर ऑफ नोएडा तो पहली महिला कमिश्नर ऑफ नोएडा कौन बनी है लक्ष्मी सिंह इनका नाम है ये उत्तर प्रदेश पहली महिला कमिश्नर नोएडा में बनी है है ना नेक्स्ट हम देखेंगे नया रैंकिंग सिस्टम के बेस पे अगर हम फिनांस एंड ब्यूटी को देखेंगे तो हु हु हैज लॉन्च द ड्राफ्ट गाइडलाइंस ड्राफ्ट गाइडलाइंस की हम यहाँ पे फिनेंस किसी भी शहर के फिनेंस और उसकी सुंदरता को भी देखें तो शहर की सुंदरता की भी बात की गई है हरदीप सिंह पुरी जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री हैं ये देखेंगे अगला है कि इंडियन ऑयल ने अभी अभी, अभी अनाउंस किया है कि इंडियन ऑयल ने अभी टीबी इराड एक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इंडियन ऑयल ने तो टीबी से आ, यहाँ पे लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठीक है तो यहाँ पे सेंट्रल टीबी डिवीजन बेसिकली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के लिए ताकि हम ट्यूबरकुलोसिस को खत्म कर दें भारत से नेक्स्ट सीईओ ऑफ एफएसएसएआई तो सीईओ जो है जी कमला वर्धन राव जो है वो सीईओ बने हैं एफएसएसएआई के सीईओ नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल आपके सामने है टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखर अपॉइंट हुए हैं हेड न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर के हेड uh, ये बने हैं न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के तो ये बेसिकली महाराष्ट्र के हैं ठीक है ठीके? तो ये कहाँ पे तो टाटा सन्स के uh, चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ये अपॉइंट हुए हैं द हेड ऑफ न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ कहाँ पे तो ये काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में ये बने हैं नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम ने डेवलप किया है एक प्रोटोटाइप ऑफ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये प्रोटोटाइप जो है डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स द्वारा किया गया है कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने इनोग्रेट किया है तीन करोड़ का अंग, अंगुल बलराम रेल लाइन तो अंगुल बलराम रेल लाइन जो है ये उड़ीसा में किया गया है इसको नेक्स्ट हम देखेंगे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट तो आर टी आई इन रिस्पॉन्स ऑफ आर टी आई तो ये तमिलनाडु है ठीक है यानी कि तमिलनाडु अपना आर टी आई नहीं देता है राइट टू इंफॉर्मेशन बिजली उत्सव को मनाया जा रहा है बिजली उत्सव को कहा मनाया जा रहा है असम में बिजली उत्सव मनाया जा रहा है नेक्स्ट हम देखेंगे हंगरी का हंगरी काउंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड तो सबसे ज्यादा भूख वाला देश कौन सा है तो अफगानिस्तान है जो कि भूखमरी से सबसे ज्यादा प्रभावित है फातिमा शेख के बारे में सवाल है कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे लेसन बताया जाएगा बच्चों को पहली मुस्लिम विमेन टीचर के बारे में जिनका नाम फातिमा शेख है और फातिमा शेख के बारे में ये आंध्र प्रदेश में बताया जाएगा बच्चों को है ना सेवेंटी नाइन्थ ग्रैंड मास्टर आप देखिएगा तो सेवेंटी नाइन्थ ग्रैंड मास्टर जो है वो प्रनेश एम है सेवनटी एथ है कौस्तु चैटर्जी सेवेंटी एट्थ है और सेवेंटी नाइन्थ जो है वो प्रनेश ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे तो भारत का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इसको बनाया गया है कहाँ तो राउरकेला में इसको बनाया गया है उड़ीसा में नवीन पटनायक जी ने इनोग्रेट किया है नॉर्थ ईस्ट में कल्चर कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है ऑक्टेव 2023 ये ऑक्टेव जो है इसका तमिलनाडु में ऑक्टेव फेस्टिवल आप देखिएगा ये फेस्टिवल जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर है नाम ऑक्टेव है लेकिन इसको ऑर्गेनाइज तमिलनाडु में किया जा रहा है ठीक है नॉर्थ ईस्ट को वहां पे और प्रमोट किया जा रहा है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मेकर दुनिया का तो भारत जो है ये भारत जो है वो जापान को यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन है कि इंडिया टेकन ओवर एज तीसरा सबसे बड़ा तो भारत ने जापान को पीछे छोड़कर अब भारत जो है वो ऑटो मेकिंग में थर्ड आ गया है जापान फोर्थ पे चला गया जापान जो है वो फोर्थ पे चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा सिटी पुलिस है जो कि बेस्ट पुलिस यूनिट बन चुका है इसको बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड मिला है तो कहाँ के पुलिस को बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड मिला है नागपुर की पुलिस को बेस्ट पुलिस यूनिट का यहाँ पे अवार्ड दिया गया है इंडिया हैज डिप्लॉयड इट्स लार्जेस्ट सिंगल कॉन्टीजेंट तो लार्जेस्ट सिंगल कॉन्टीजेंट ऑफ वुमेन पीस मेकर तो वुमेन पीस कीपर जो है ये सूडान में है ठीक है सूडान में यहाँ पे इसको बनाया गया है पर्पल फेस्टिवल पहला फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन ये पर्पल फेस्टिवल जो है ये गोवा में आपका पर्पल फेस्टिवल को यहाँ पे मनाया जाएगा नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे तो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अप्रूव किया है वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन किस चीज के लिए मधुमक्खी के काटने से तो मधुमक्खी के काटने के लिए अमेरिका ने ऐसे पहला वैक्सीन को बनाया गया है ठीक है और पहला ऐसा वैक्सीन है जो मधुमक्खी काटने के लिए अमेरिकन फूल ब्रोड इसका नाम है ब्रूड ठीक है जी ट्वेंटी की पहली मीटिंग कहां पे होगी तो ये पुडुचेरी में होगी जी ट्वेंटी की फर्स्ट जी ट्वेंटी मीटिंग विल बी इन पुडुचेरी फर्स्ट जी ट्वेंटी मीटिंग कहाँ होगी तो पुडुचेरी में होगी नेक्स्ट हम देखेंगे जी ट्वेंटी जो मार्च में होगी ये कहाँ पे होगी न्यू दिल्ली में होगी फिर यूथ uh, ट्वेंटी की मीटिंग कहाँ पे होगी तो यूथ ट्वेंटी की मीटिंग जो है ये अनुराग सिंह ठाकुर इसको यहाँ पे लॉन्च करेंगे इसको आप याद रखिएगा तो यूथ ट्वेंटी की मीटिंग का थीम लोगो वेबसाइट अनुराग सिंह ठाकुर जो कि हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री हैं ये यहाँ पे लॉन्च करेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी कृषि कुंभ होगा तो कृषि कुंभ जो है ये कहाँ पे होगा मेघालय में, में होगा अगला सवाल है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एक्चुअली एसएस एस राजा मौली को दिया गया है आपको पता है कि आरआरआर मूवी के लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड

तो ये ये जो है ये किसने जीता है ये जीता है दिव्या देशमुख ने दिव्या देशमुख ने इसको जीता है गाजियाबाद में गाजियाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सेक्शन हैज बिकम द लॉन्गेस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्टर सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे तो भारत का उसमें लेंथ क्या है तो जो इंडियन रेलवे का लेंथ है 762 किलोमीटर का है ठीक है तो ये सेगमेंट जो है ये लॉन्गेस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड बनेगा और ये गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय में बनेगा 762 तो बेसिकली बोला जा रहा है कि गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन जो कि लॉन्गेस्ट है फुल्ली ऑटोमेटेड सिग्नल ऑफ इंडियन रेलवे 762 हंड्रेड किलोमीटर्स का है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी कहा है कि हम 122 नए कॉम्प्लेक्सेस को खोलेंगे जो कि खेल से रिलेटेड होंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे तो ये कौन सा है ये कहा जा रहा है महाराष्ट्र में नेक्स्ट देखेंगे अमित शाह जी ने अभी 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 इन किया है पोलो स्टैचू और ये 120 फीट लंबा है तो ये आपका मणिपुर में बर्थ प्लेस ऑफ द गेम पोलो यहाँ से ही शुरू हुआ था है ना इसरो ने अभी अभी टाइप किया है किसके साथ ताकि स्पेस स्टार्टअप शुरू किया जा सके इसरो ने टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसरो ने टाइप किया है फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाइड्रो टूरिज्म आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रो टूरिज्म ये कहाँ पे शुरू हुआ है तो ये आपका शुरू हुआ है लेह में ठीक है तो पानी के लिए भी टूरिज्म वहां पर बहुत सारे गेम्स होंगे काला आजार बीमारी है और इसको हम खत्म करने वाले हैं दो हजार तेईस तक ठीक है 2023 तक नेशनल बर्थडे चिड़िया के लिए दिवस है ये आप बताइएगा कि चिड़िया के लिए दिवस या हमारा क्या स्थान है अगर टेस्ट की बात की जाए तो हमारा स्थान जो है ये फिफ्थ है ठीक है तो कहते हैं कि इटली का खाना सबसे मज़ेदार है उसके बाद ग्रीस है फिर स्पेन है फिर जापान है फिर अमेरिका है तुर्की है फ्रांस है पेरू है ऐसे कंट्रीज हैं और भारत का जो स्थान है वो कहाँ पे है फिफ्थ स्थान है ठीक है फिफ्थ स्थान है फाइन

बाईस uh, की ये बात है ठीक है तो ये अवार्ड जो है नेम्ड आफ्टर पूछा जा रहा है क्या कि ऑस्ट्रेलिया मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ठीक है तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया जाएगा ये किसके नाम पे दिया जाएगा ये शेन वॉन को याद करके हम ये नाम पे अवार्ड दे रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ये आपका वन स्टार आफ्टर नेम तो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने कहा है कि एक तारा का नाम हम देंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड जो है ये कहाँ पे ये कहाँ पे दिया जाएगा तो ये डॉक्टर एलिडा हैज बीन सेलेक्टेड इनको के आर गौरी अम्मा अवार्ड दिया जाएगा ये बेसिकली क्यूबा की है सोशल वर्कर है और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं तो अनिल कुमार लाहौती बने हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहला uh, कौन सा सा स्टेट है है जो कि बुलंद शहर प्रिजन हैज बीन ठीक तो कहाँ पे बुलंद शहर का जो जेल है उसको फाइव स्टार रेटिंग एफ द्वारा तो उत्तर प्रदेश में है आप समझ रहे हैं फारूखाबाद जेल के बारे में बात की जा रही है सेकंड पोजीशन पे है ठीक है बुलंद शहर जो है ये फर्स्ट पे है और फारूकाबाद सॉरी बुलंदशहर जो ये सेकंड पे है जो कि उत्तर प्रदेश में है ठीक है और फर्स्ट पे कौन सा तो फारूकाबाद है तो आप मुझे बताइए कि फारूकाबाद कहाँ पे है इसमें बोला जा रहा है कि बुलंदशहर को फाइव स्टार रेटिंग दी गई है उत्तर प्रदेश में फारूकाबाद कहाँ है ये आप बताइएगा ठीक है नेक्स्ट आप देखें तो ग्रेट प्लेस टू वर्क ग्रेट प्लेस टू वर्क ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूशन द्वारा तो ये बेसिकली टाटा स्टील ने को मिला है ये अवार्ड कि ये बहुत अच्छा जगह है काम करने के लिए आर्टिफिशियल हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट किस आई ने अभी डेवलप किया है ये आपको बताना है एक्यूट कार्डियक प्रोग्राम प्रॉब्लम्स के लिए आई कानपुर ने डेवलप किया है अब्दुल्ला यमीन इनको 11 साल का जेल हो गया है ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अब्दुल्ला यमीन आपने बताना है कहाँ के तो ये बेसिकली मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अब्दुल्ला यमीन नेक्स्ट हम देखेंगे सी रिपोर्ट -E के अनुसार अगर हम देखें बात करेंगे सी बी रिपोर्ट के अनुसार तो भारत जो है ये थर्ड प्लेस में है और भारत जो है ये 2035 ठीक है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दो 2035 ये बन जाएगा थर्ड प्लेस में ये कब आएगा अमेरिका चाइना और फिर भारत तो ये कब तक आएगा तो ये बेसिकली 2035 तक थर्ड प्लेस में आ जाएगा इकोनॉमी के हिसाब से अब ये फिफ्थ पोजीशन पे है उसके बाद आप देखेंगे डी एस सी आई ए आई एस एस एवॉर्ड बेस्ट सिक्योरिटी प्लेसेस इन गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो यू आई यू आई डी ए आई है ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिससे आधार कार्ड बना है यहाँ इसको ये अवार्ड मिला है किस चीज के लिए क्योंकि ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको सिक्योरिटी प्रैक्टिस प्रैक्टिस गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसके लिए इसको अवार्ड दिया गया है विच कंट्री ज सप्लाईड एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तो एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम किस कंट्री द्वारा सप्लाई किया गया है रशिया द्वारा इसको सप्लाई किया गया है आर बी आई के मैंडेट के अकॉर्डिंग जो देर लॉकर एग्रीमेंट है ठीक है तो मैंडेट जो है उसने रिन्यू कर दिया है लॉकर एग्रीमेंट ये जनवरी दो हजार तेईस के पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि आर बी आई ने रिसेंटली जितने भी ब्लैंडिंग बैंक है उनको बोला गया है कि आप लॉकर एग्रीमेंट ठीक है अपने होल्डर्स को टू होल्ड टू इट्स होल्डर बिफोर जनवरी 2023 नेक्स्ट क्वेश्चन की फोक्स इन द फोक्स इन द रोड तो फोक्स इन द रोड ये किताब लिखी गई है फोक्स इन द रोड ये सी रंगा राजन द्वारा ये किताब लिखी गई है फोक्स इन द रोड माई डेज एट आर बी आई एंड बियॉन्ड नेक्स्ट आप देखेंगे आई आई टी टू सेटअप इंस्टीट्यूशन इन मलेशिया तो कौन सा आई आई टी मलेशिया में जाएगा आई आई टी खड़गपुर जो है वो मलेशिया में अपना इंस्टीट्यूशन डालेगा आपको ये याद रखना है और साथ ही साथ आपको यह भी याद होगा कि जैनजीबर्ड जो कि तंजानिया का कैपिटल है यहाँ पे आईटी मद्रास अपना इंस्टीट्यूशन डालेगा है ना ये सारी चीजें आपने याद रखनी है कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि हाईएस्ट नंबर है ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सबसे ज्यादा जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं वो इलीगली इंक्रोच किए गए हैं ये किस स्टेट में ये उत्तर प्रदेश में ठीक है मॉन्यूमेंट्स पे ही ये लोग इंक्रोच कर रहे हैं फिर इंडिया का पहला फर्स्ट ह्यूमनाइज प्रिजनर तो मानवीकरण जेल कौन सा बना है कहाँ का जेल है ये तो ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का पहला है तो ये आपका मानवीकरण है नेक्स्ट सेवेंटी नाइन ग्रैंड मास्टर तो आपको पता है कि प्रनेश एम है सेवेंटी नाइन ग्रैंड मास्टर सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ तो ये आपका राउरकेला में बना है नॉर्थ ईस्ट का ऑक्टेव ये कहाँ पे हुआ है तमिलनाडु में हुआ है नेक्स्ट आप देखेंगे तो तीसरा ऑटोमेकर कौन बन गया है भारत बन गया है जापान को पीछे छोड़कर है ना जापान को पीछे छोड़कर ये तीसरा ऑटोमेकर बन गया है अगला सवाल आप देखेंगे बेस्ट पुलिस यूनिट कहाँ का है तो नागपुर का पुलिस यूनिट है फिर सिंगल कॉन्टिजेंट ऑफ वुमेन पीस मेकर ये आपका कौन सा है तो सुडान भारत ने अभी क्या किया है कि अपनी महिलाओं की पीस मेकर की टीम को कहाँ पे डाला है सुडान में डाला है क्योंकि वहां पे पीस मेकर की जरूरत है ठीक है uh, सुडान के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है पर्पल फेस्ट ये कहाँ पे होगा पर्पल फेस्ट तो गोवा में है पर्पल फेस्ट है ना नेक्स्ट क्वेश्चन तो भारत पूछा जा रहा है कि विच कंट्री हैज अप्रूव्ड यूज ऑफ वर्ल्ड हनी भी यानी कि मधुमक्खी के काटने के लिए उसके खिलाफ वैक्सीन इसका नाम है फूल ब्रूड अमेरिका का है नेक्स्ट हम देखेंगे जी ट्वेंटी की पहली मीटिंग पुडुचेरी यूथ ट्वेंटी फिर फॉरेन मिनिस्टर्स जी ट्वेंटी की मीटिंग जो है ये कहाँ पे होगी न्यू दिल्ली है ना मिनिस्टर्स की U20 को अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेला कहाँ होगा मेघालय में होगा ये सारे हमने कर लिया राजामौली uh, को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड न्यूयॉर्क क्रिटिक्स में uh, कितने मॉन्यूमेंट्स मिसिंग है तो मॉन्यूमेंट्स पचास मिसिंग है ठीक है नेक्स्ट सवाल है कि जितेंद्र सिंह जी ने इनोग्रेट किया है नेशनल जिनॉम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर तो जितेंद्र सिंह जी ने इसको जितेंद्रेट किया मोहाली पंजाब में इनोग्रेट किया है अगला सवाल है फोर्टी एट नेशनल चेस चैंपियनशिप ये किसने जीता तो दिव्या देशमुख है इन्होंने जीता है गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपको पता ये 762 का है 762 किलोमीटर का है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसको ओपन करना है 122 न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस। तो 122 न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये महाराष्ट्र को ओपन करना है एक नाथ शिंदे इसके सीएम है इसको याद रखेगा पोलो स्टैचू कहाँ पे शुरू हुआ मेघालय से ये गेम स्टार्ट हुआ था मतलब मणिपुर से स्टार्ट हुआ था तो मणिपुर में इसको अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया है स्पेस टेक स्टार्टअप ये इसरो ने होंगे करते, करते अगर एग्जाम में आप चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा ना रहे जो एग्जाम में नया हो तो ऐसे जैसे मैं कर रही हूं क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए एक दिन बैठो और जितने भी चीजें आपने पढ़े हैं क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप करिए मजा आना चाहिए इस चीज में बोर नहीं होंगे है ना चलेंगे स्पेस एंड ज्वेलरी काउंसिल में आप देखेंगे श्याम मेहरा जी जो है वो स्पेस एंड ज्वेलरी काउंसिल में चेयरमैन है नेक्स्ट हम देखें हाइड्रो टूरिज्म के बारे में बात अभी फिर से हो रही है लेह लद्दाख में देखिए रिपीट इसलिए करें ताकि आपको याद रहे 2023 तक काला आजार खत्म करना है नेशनल बर्थ डे आप बताएंगे है ना नेशनल बर्थ डे आप बताइएगा कि नेशनल बर्थ डे कब मनाया जाता है इंडिजीनियस लाइफ स्टॉक ब्रीड के बारे में बात की जा रही है तो हाउ मेनी भारत में जितने भी जो स्वदेशी पशुधन है तो टोटल पूछा जा रहा है कि इंडिया में कितने ब्रीड्स हैं जनवरी के अकॉर्डिंग 212 ब्रीड है हमारे पास है ना 212 ब्रीड है गंगा सागर मेला ये कहाँ पे है तो वेस्ट बंगाल में मनाया गया है ये गंगा नदी जहाँ सागर से मिल जाती है वेस्ट बंगाल में इसको मनाया जा रहा है केरला के सीएम कौन है पिन्नराई विजयन तो इन्होंने गौरी अम्मा अवार्ड दिया है किसको दिया है गौरी अम्मा अवार्ड तो ये याद रखेगा गुबेरा जी को दिया है अलीडा को अवतार एक सर्वे है जो कि अवतार द्वारा किया गया है आपको बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ पे कामगढ़ हैं कहाँ काम करती हैं चेन्नई में काम करती हैं नेक्स्ट आप देखेंगे इंडिया वेल डेवलप आधार लाइक -like प्लेटफॉर्म तो भारत जो है वो आधार लाइक -like प्लेटफॉर्म बाकी देशों के लिए भी बनाने वाला है और जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो भारत इसको बनाएगा नौ अलग अलग देशों में इसको आप देख लीजिए कि फिलिपींस है मोरक्को है श्रीलंका है युगांडा है यथोपिया है गुएना है सिरे लियोन है फासो है फिर तोवो है ठीक है तोवो रिपब्लिक है ये सारे देशों में भारत जो है आधार की तरह अपना प्लेटफॉर्म बनाने वाला है ठीक है सीईओ कौन है पेटीएम पेमेंट बैंक के तो सीईओ जो है इनका नाम है सु, सुरेंद्र चावला नेक्स्ट हम देखेंगे और स्काई गेजिंग इवेंट ये इंडिया गेट पे होगा तो ये इंडिया गेट पे ये इवेंट जो है अर्जुन राम मेघवाल करेंगे ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे सुनील बाबू जी का निधन हो गया है सुनील बाबू जो है वो आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं फर्स्ट इंडियन टू विन डब्ल्यू सिंगल टाइटल तो पहली इंडियन जो है ये सानिया मिर्जा है नेक्स्ट हम देखेंगे पहले फर्स्ट ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म जो रिसीव करेंगे प्रोवाइड टू रिसीवर डेब ब्रोकेज लाइसेंस फ्रॉम एस बी आई टू फ्रॉम एसई बी आई ठीक है एस सी बी आई क्या है -S -S India, तो गोल्ड एंड पाई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे डेब्ड ब्रोकर लाइसेंस इशू किया जाएगा हाई नेक्स्ट देखें क्वेश्चन कौन सा बैंक है जो ओपन है कि फुल्ली डिजिटल करेंट अकाउंट देगा ये एक्सिस बैंक है सीडियम uh, रिपोर्ट के अनुसार हनेडा एयरपोर्ट इसको याद रखेगा प्लीज हनेडा एयरपोर्ट ये बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट है हनेडा जो है ये कहा है जापान का एयरपोर्ट है कौन सा सा स्टेट है जो कि कास्ट सर्वे में पार्ट कास्ट कास्ट सर्वे करवा का बिहार करवा बहुत करवासीज हो गए हैं ठीक है पेट, भारत पेट्रोलियम ने लॉन्च किया है लो स्मोक सुपर कैरोसिन ऑयल तो ये के लिए तो ये इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है ठीक है फॉर द इंडियन आर्मी भारत पेट्रोलियम ने इसको लॉन्च किया है नेक्स्ट हम देखेंगे सी एस आई आर लैब सी एस आई आर लैब ये ग्लोबल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन टोटल कितने हैं तो थर्टी सेवन सी एस आई आर लैब है नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट स्टेट जिसने ज्वाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्री राइस स्कीम को तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्री राइस स्कीम को तेलंगाना ने अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है है ना इंटेलिजेंट ट्रे रिट्राइवल सिस्टम तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका इनोग्रेट हुआ है ये गोवा एयरपोर्ट में मोपा एयरपोर्ट में इसको इनोग्रेट किया गया है हरीबा स्मृति सरोवर हरीवा स्मृति सरोवर ये आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ के नाम पे. हीरा हीराबेन के नाम पे ये सिचुएटेड है तो ये कहाँ पे गुजरात में राजकोट सिटी में इसको बनाया जाएगा इसको आप याद रखेगा पंद्रह लाख रुपए इसका कॉस्ट है राजकोट सिटी में एक डैम बनाया जाएगा जिसका नाम हीराबेन हीराबा स्मृति सरोवर इसका नाम रखा जाएगा एक नया किताब है जिसका नाम है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम द अदर स्टोरी कैसे भारत को आज़ादी मिली तो ये किताब लिखा गया है संजीव सान्याल द्वारा ठीक है इसको आप याद रखेंगे संजीव सान्याल ने यह किताब लिखा है इसको आप याद रखेगा इंडियन आर्मी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट के साथ ट्रीटमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन का तो ये असम के साथ साइन किया है क्वेश्चन नंबर को देख के आप कन्फ्यूज मत होइएगा प्लीज़ ये क्वेश्चन नंबर जो है वो वन हंड्रेड uh, ऐसे टू हंड्रेड के रूप में है, तो लास्ट वाला आप डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है फाइन तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि तीस पॉइंट सिक्स वन करोड़ का यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बेसिकली अभी इसको लॉन्च किया गया है जिसमें क्या कहा जाएगा जिसमें हम लोग यहाँ पे uh, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने इसको इन्होंने लॉन्च किया है पहनिया बाईपास इन खातेमा ठीक है प्रवासी भारतीय दिवस ये आपका कहाँ पे कब ऑब्जर्व होता है तो ये आपको पता है नौ जनवरी क्योंकि नौ जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे है ना नेक्स्ट हम देखेंगे सुभाष तो चंद्र बोस जी को हम याद करते हैं जनवरी में तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस होता है फिर भारत सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो गया है तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री जो है वो इंडिया हो चुका है ये आपको पता है पॉपुलस यानी कि जनसंख्या वाला ठीक है और फिर आप देखेंगे एक नए रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी जो है वो यूएस डॉलर छब्बीस ट्रिलियन का हो जाएगा ये कब तक तो 200 2047 तक यानी जब हम आज़ादी का सौ वर्षगाठ मनाएंगे तो हमारा छब्बीस ट्रिलियन का ये इकोनॉमी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत का रैंक क्या है टेक वेंचर कैपिटल में तो भारत का टेक वेंचर कैपिटल में फोर्थ रैंक है पहले अमेरिका है फिर चाइना है फिर यूनाइटेड किंगडम है और फिर अपना भारत है नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट देगा ट्राइबल पीपल को तो पहला डिस्ट्रिक्ट है वायनाड ठीक है वायनाड ये बेसिक डॉक्यूमेंट देगा ट्राइबल पीपल को ये आपको ध्यान रखना है राहुल गांधी जी यहीं से है ना उसके बाद आप देखेंगे अगला की जी ट्वेंटी बी हेल्ड जी ट्वेंटी की जो मीटिंग है ये बेंगलुरु में होगी इसको आप याद रखिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट हम हम देखेंगे next, हम देखेंगे साइंस लिटरेचर फेस्टिवल ठीक है विज्ञानिका ये आपका ऑर्गेनाइज होगा ये ऑर्गेनाइज कहाँ होगा तो ये भोपाल में ऑर्गेनाइज होगा ओके okay, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए तो यहाँ पे फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की जा रही है और ये मैच कहाँ होगा ये कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में होगा इसको आप याद रखेंगे उसके बाद आप देखें ठीक है तो यहां पे आप देखेंगे मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ ईयर ये अवार्ड किसको मिला है एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के विष्णु को मिला है के विष्णु प्रसाद को ये अवार्ड मिला है अगला आप देखें तो फिर आप देखें कौन सा ऐसा टीम है जिसने फोर्टीन सी सी आइस हॉकी दो को इसमें इन्होंने लॉन्च किया है फ्रेंड पशकुम इसका नाम है ठीक है पशकुम भारत OS, भारत ओएस ओएस जो है ये भारत ओएस इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग है और ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा तो ये डेवलप किया गया है भारत ओएस एस मद्रास द्वारा ठीक है नेक्स्ट आप देखें रॉक सिंगर डेविड क्रॉस जी का निधन हो गया है ये कहाँ के थे ये अमेरिका के थे अगला है कि पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बताया गया है कि ये क्या है पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि लॉन्च करेगा क्रेडिट कार्ड और ये अगेंस्ट एफडी डिजिटली पूरी डिजिटल हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक डिपॉजिट डिजिटल के अगेंस्ट ये अपना लॉन्च करने वाला है ठीक है उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस शहर में अभी बात की गई है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो ये हैदराबाद में होगा यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से होने वाला है अगला सवाल है कि सीईओ ऑफ वेदांता वेदांता क्रेन ऑयल एंड गैसेस देखिए अपॉइंटमेंट को देखकर डरिए मत इससे भी सवाल आ सकते हैं मजेदार तरीके से आप इसको कवर कर लीजिए है ना तो यहाँ पे आप देखें निक वॉलकर हैं जो कि यहाँ पे सीईओ बने हैं और रेयर एल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेट्यू बसाल्ट से प्लेट्यू बना है ठीक है तो पठार ये महाराष्ट्र का है कोल्ड चेन कॉन्क्लेव ये एग्जीबिशन हो रहा है और ये एग्जीबिशन कहा तो मनोज आहूजा जी जो है इसको इनोग्रेट कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर भारत प्रभा ये इनिशिएटिव आपका सरवंदा सोनोवाल जी जो हैं इन्होंने अभी शुरू किया है भारत प्रभा तो सरवंदा सोनोवाल जी ने भारत प्रभा को शुरू किया है और ये बेसिकली भारत के अलोंग जितने भी तट हैं उसको कवर करने की बात की गई है पांच मीटर का मैराथन है ये रन फॉर लाइफ है और ये इंडियन एम्बेसी द्वारा शुरू किया गया है कौन सा कहाँ पे कौन सा स्टेट में कौन सा कंट्री की बात की जा रही है तो ये किलोमीटर जो है पांच किलोमीटर का भारत एम्बेसी रन फॉर लाइफ नेपाल में करेगा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भारत का जो थीम है, है ना नेक्स्ट हम देखेंगे कि बंग बंधु शेख मुजिबर रहमान को हम याद करते हैं तो मुजीब ढाका मैराथन 2023 में शुरू होगा और इसके चेयरमैन कौन है इसमें जो रनर है वो कौन जीते हैं ठीक है ठीके? इसके जो चैंपियन है वो कौन है तो चैंपियन का नाम है स्टैंडले कि इनका नाम है केन्या के रनर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड के अकॉर्डिंग गोवा का मनोहर मोपा जिसका नाम है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको नाम दिया गया है ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड तो Who will replace? Jackinda Arden. Jackinda Arden की जगह प्राइम मिनिस्टर मैटर्निटी लीव दिया जाएगा यानी कि जो लड़कियां 18 साल के ऊपर है उनको 60 दिन का मेटर्निटी लीव दिया जाएगा ये केरल ने इसको अनाउंस किया है नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फोर्टी थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म फिटूट 2023 इसका नाम है ये कहाँ इनोग्रेट हुआ है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये मैड्रिड जो कि स्पेन का कैपिटल है यहाँ पे एफ आई टी यू आर फिटूट जो है ये यह यहाँ पे बना है चलेंगे वर्ल्ड का लॉन्ग ओल्डेस्ट सबसे पुराना डेटेड रन स्टोन कहाँ पे है डिस्कवर किया गया है ये नॉर्वे में ठीक है ओल्डेस्ट डेटेड जो रन स्टोन है ये नॉर्वे में 2000 साल पुराना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर टैनारायण टाणा टा चले

स्टार्टेड ऑप्स अलर्ट ठीक है तो ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज ये आपका बी एस एफ ने इसको स्टार्ट किया है ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज ये बी एस एफ ने स्टार्ट किया है कौन सा आर्म फोर्स है जो होस्ट करने वाला है प्रलय नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये पहले से लेके पांच फरवरी तक होने वाला है प्रलय तो ये कौन सा है ये बेसिकली आपका है इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने प्रलय इसको स्टार्ट किया है नेक्स्ट हम देखें स्टेम इनोवेशन की बात की गई है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और बच्चियों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इनकरेज किया जाएगा स्टेम के लिए तो ये आप देख सकते हैं ये कहाँ पे होगा ये आपका चेन्नई में किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे ये एक आपको दिख रहा है पिक्चर तो हिमाचल प्रदेश ने टारगेट किया है कि हम ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेंगे कब तक 2025 तक हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुखू अनाउंस किया है अगला क्वेश्चन है चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी ये चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे के अगला क्वेश्चन कि जो आपका स्टेट्स स्टेट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना तो ये कौन सा है ये असम है ठीक है तो पिरामिड्स ऑफ असम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हैज सेलेक्टेड द पिरामिड ऑफ असम ताकि हम इसको नॉमिनेशन डाल सके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की तरफ से एक लौता अभी तक यहाँ पे गया है ये आपका इस साल का नॉमिनेशन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है दो आप जानते हैं कि तेईस जनवरी को हम पराक्रम दिवस भी मनाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी को हम याद करते हैं यहाँ पे उनकी याद में हमने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने यहाँ पे अवार्ड दिया है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने अवार्ड किस दिया है उड़ीसा के मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है अगला आप देखेंगे अस्का मॉडल पुलिस स्टेशन अस्का कहाँ पे है ये मॉडल पुलिस स्टेशन ये आपसे पूछा जा रहा है और ये पुलिस स्टेशन जो है ये आपका नंबर वन पुलिस स्टेशन है भारत का और ये कहाँ पे है तो ये उड़ीसा में है नंबर वन अक्सा ठीक है अगला कि किनको अवार्ड दिया गया है एस पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है ये प्रभा आत्रे को यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया है फिर आप देखेंगे कौन जीत चुके हैं इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब तो ये है है कुल वलतुल विधि ठीक नेक्स्ट आप देखेंगे हाउ मेनी वर फिल्मेड एट ट्वेंटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कितने फिल्मों को दिया गया अवार्ड दो फिल्मों को अवार्ड दिया, दिया गया इसको आप याद रखिएगा दो फिल्मों को यहाँ पे अपराजितो ठीक है अपराजितो ये आपको दिया गया इसको अवार्ड और फिर आप देखेंगे प्रापेदा प्रापेदा यहाँ पे भी ये दो फिल्म है जिनको अवार्ड दिया गया है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ठीक है यहाँ पे आप नवीन पटनायक जी हैं जो कि उड़ीसा के सीएम हैं और नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा के सीएम होते हुए जयपुर में इंटरनेशनल हैंड इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट अभी इनग्रेट किया है तो ये नवीन पटनायक जी हैं जिन्होंने जयपुर में किया है नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे तो हु हैज बीन ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एवियशन तो डीजीसीए अभी कौन बने हैं डीजीसीए तो डीजीसीए जो है ये बन चुके हैं विक्रम देव दत्त इनको अभी कैबिनेट में अपॉइंटमेंट मिला है डायरेक्टर जनरल के तौर पर डीजीसीए में फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि परमवीर चक्र एवॉर्ड परमवीर चक्र एवॉर्ड ही अंडमानन निकोबार को अभी अंडमानन निकोबार के कुछ आईलैंड को नाम दिया गया है परमवीर चक्र अवार्ड के नाम पे और यहाँ पे और और 21 21 आइलैंड आइलैंड्स हैं जो अननेम्ड इनको परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पे नाम दिया गया है है ना 21 आइलैंड्स को इस बार अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये होस्ट होगा इसका सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस साहब कब कहाँ पे तो ये न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया जाएगा यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी ये इनॉग्रेट कर रहे हैं 29th मोबाइल वेटरन यूनिट तो ये 29 मोबाइल वेटरन यूनिट जो है ये केरला में करेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भारत जो है इंडियन इंडियास इकॉनमी ये ग्रो करेगा 2023 तक कितना तो 7% तक ये ग्रो करने वाला है ठीक है ज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो स्पीकर जो है ये मैकार्थी जो है ये बने हैं ठीक है अंडर फिटिश ओपन स्कॉश टाइटल रिसेंटली तो कौन से इंडियन एथलीट है ये है अनहत सिंह अनहत सिंह जो है ये जीती है क्या जीती है ये स्क्वाश में जीती है स्क्वाश क्या होता है कि जब आप लॉन्ड टेनिस खेलते हैं तो एक कोट और दूसरा कोर्ट जैसे दोनों इक्वल होने चाहिए है ना लॉन टेनिस में एक प्लेयर इधर एक प्लेयर इधर या दो दो भी हो सकते हैं लेकिन स्क्वाश में क्या होता है कि एक तरफ सिर्फ वॉल होता है है ना और एक तरफ वॉल होता है और प्लेयर खेलता है

ठीक है तो ये इसको राजस्थान में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सीनियर लीडर है बीजेपी के केसारी केसरीनाथ त्रिपाठी जी इनका निधन हो गया है ये गवर्नर भी रह चुके हैं एक्चुअली ये बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं तो अभी ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं त्रिपाठी जी के त्रिपाठी नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यहां पे हैंडेड ओवर 75 पैसेंजर बसेस किसको दिया गया है श्रीलंका को दिया गया है नेक्स्ट हम देखें कौन से कौन ऐसे इंडियन है जो कि सेलेक्ट हुए हैं अवॉर्ड फॉर ग्लोबल फॉर ग्लोबल लीडर फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर जो है यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया गया है तो इसको इनको सिलेक्ट किया गया इनका नाम क्या है धनंजय यशवंत चंद्रचूर जी को डीवाई चंद्रचूर जी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है नेक्स्ट हम देखें विच एप हैज वॉज एवॉर्डेड द प्लेटिनम अवार्ड इन डिजिटल इन इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 तो कौन सा ऐप है ये ये ऐप है ई विवेचन ऐप ठीक है ये मध्य प्रदेश का है नेक्स्ट हम देखें फर्स्ट फीमेल सिख जज एट यूनाइटेड स्टेट्स कौन बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह जो है ये बनी है अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स ग्लोबल ग्लोबल पार्टनर पार्टनर बाय इंटरनेशनल हॉकी हॉकी फेडरेशन फेडरेशन का जो है वो कौन सा है ये जे एस डब्ल्यू ग्रुप है जे एस डब्ल्यू ग्रुप है नेक्स्ट बीसीसीआई सिलेक्शन कमिटी ने अभी से रीअपॉइंट किया है अपना चेयरमैन किसको किया है तो ये चेतन शर्मा को रीअपॉइंट किया गया है इनका बेसिकली इनके जो है इनको रीअपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें वीर गार्जियन किसके साथ हम करते हैं तो गार्जियन एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं ये पूछा जा रहा है याद रखिएगा कि गार्जियन एक्सरसाइज जो है ना ये हम जापान के साथ ही करते हैं वीर गार्जियन भी हमने जापान के साथ किया हुआ है अगला है नेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल तो फिल्म फेस्टिवल जो है यूथ फेस्टिवल ये आपका ऑर्गेनाइज होता है कहाँ पे तो ये ऑर्गेनाइज होता है आपका कर्नाटका में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें तो मोदी जी ने वर्चुअली इनग्रेट किया है दो दिन का ग्लोबल समिट और ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है अगला आप देखेंगे हॉकी इंडिया जो है वो मेटावर्स में आ चुका है तो मेटावर्स में कौन सा स्पोर्ट्स आया है क्रिकेट नहीं आया है हॉकी इंडिया आया है प्लीज उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेमोयर स्पेयर ठीक है तो अपने यादगार इतनी याद की चीजों को इन्होंने एक किताब के तर्ज पे लेके आए हैं ये है प्रिंस हैरी और प्रिंस हैरी ने अपना मेमोयर स्पेयर जो कि फास्टेस्ट सेलिंग नॉन फिक्शन बुक एवर हो गया है ये आपका पब्लिश किया गया है ये रॉयल ब्रिटिश रॉयल फिल्म फैमिली पे है प्रिंस ने इसको अभी लॉन्च भी किया है जस्टिस एन कटोश मतलब ये बेसिकली आप समझेंगे ना इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आप एक बार एक चीज समझ लीजिएगा डाउट मत कीजिएगा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा किनका मेमोयर है तो ये प्रिंस हैरी का मेमोयर है किताब का नाम स्पेयर है ठीक है किताब का नाम स्पेयर है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह तो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो है वो चीफ जस्टिस हैं गुवाहाटी के और इनका नाम क्या है एन कोटेश्वर सिंह जो कि अभी चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी के है. नेक्स्ट आप देखें तो रिन्यू पावर हैज इंस्टॉल्ड इंडिया फर्स्ट थ्री एक्स प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर ठीक है विंड टर्बाइन जनरेटर और ये किसने किया है अभी तो ये कर्नाटका ने किया है कर्नाटका ने किया, किया। फाइन नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन बैंक पे क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में ठीक है कौन सा सा बैंक है जिसको अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई द्वारा कि ये स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट खोल सकता है थ्री बैंक फ्रॉम श्रीलंका तो ये इंडियन बैंक है नेक्स्ट देखें पृथ्वी ठीक है तो पृथ्वी बेसिकली क्या है पृथ्वी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है टेस्ट लॉन्च किया है पृथ्वी टू को जो कि एक मिसाइल है कोस्ट ऑफ कहां पे तो उड़ीसा में फाइन नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स यहां पे पूछा जा रहा है, कि टू का निधन हो गया है। ये एटी टू ईयर्स के थे ये फॉर्मर और लास्ट किंग रह चुके हैं कहाँ के ग्रीस के ठीक है ग्रीस के ये किंग रह चुके हैं अगला आप देखेंगे पेरूप पेरूप को लेकर क्या क्वेश्चन है तो ये फास्टेस्ट पेटीएम पे, टीम। पे टीम। पेमेंट ऐप कौन सा है भारत का तो ये पेरूप है, कुछ और टिक मत कर गवर्नर है जिन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को 30 परसेंट का रिजर्वेशन देंगे ये उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गुरमीत सिंह इन्होंने ये कहा है।, है ना अगला आप देखेंगे कुमार कुमार कॉम और बेरपोर कुमार और बेपुर ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम में ये दो ऐसे जगह है जिसको अभी सेलेक्ट किया गया है स्वदेश दर्शन स्कीम का ये है तो ये कोजीकोडे में है कोजीकोडे आपका केरला में कुमार कुमारकौम जो कि कोटाइम में है और यहाँ पे बेपुर को भी सिलेक्ट किया गया है ये पाकिस्तान है ठीक है पाकिस्तान के बारे में क्या न्यूज है कि अमेरिका ने अभी अनाउंस किया है कि सो मिलियन का ठीक है यानी रुपीज में इंडियन नेबर को देंगे पैसा ताकि वहां पे जो बाढ़ आया है उससे बचा जा सके ये पाकिस्तान को दिया जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट बोला जा रहा है इंडियन लैंग्वेज किस इंडियन लैंग्वेज को ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा यह आपका पंजाबी है पंजाबी को पढ़ाया जाएगा रोड सेफ्टी वीक नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है ये आपका कब से कब तक मनाया जाता है रोड सेफ्टी वीक जो है 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है अगला आप देखेंगे तो ये अशोक गहलोत है और भारत का पहला स्टेट जो ब्ला, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी यानी कि जो आंखों की रोशनी जा रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे ये राजस्थान है और कह रहे हैं कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल लोगों को राइट टू साइट होना चाहिए लेकिन आजकल जो हमारा जीवन है उसके कारण हम आंखों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक है इंडिया ने डिफीट किया श्रीलंका को और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है तो आप जानते हैं कि भारत ने किस कंट्री को डिफीट किया है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है क्योंकि लार्जेस्ट मार्जिन से यहां पर डिफीट किया गया है और ये श्रीलंका को डिफीट किया गया तीन रन से भारत ने यहां पे श्रीलंका को डिफीट किया है ठीक है राइट तो अब हम स्पोर्ट्स के कुछ करंट अफेयर्स को यहां पे कवर करने वाले हैं ओके okay. हेलो एवरीवन तो गाइस करंट अफेयर्स को लेकर अब नहीं होगी कोई भी दुविधा क्योंकि हमने करंट अफेयर्स को बांट दिया है सेगमेंट्स में और आज का सेगमेंट है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स तो जनवरी के महीने में जितने भी स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जहां से सवाल आने की बिल्कुल बिल्कुल संभावना है उसको हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं आईसीसी ने पहली बार अंडर 19 विमेन वर्ल्ड कप करवाया और ये अंडर 19 विमेन वर्ल्ड कप पे पे हुआ हुआ तो ये में हुआ। कहां पे है ये जगह है साउथ अफ्रीका में और यहां पे क्या हुआ कि भारत भारत जो है इनोग्रल इनग्रल का मतलब है कि पहला पहला हुआ और भारत ने इंग्लैंड को यहां पे हराया ये आपका फर्स्ट न्यूज है जनवरी स्पोर्ट्स के लिए सेकेंड न्यूज है कि हरियाणा वुमेन हॉकी अंडर 18 तो अंडर 18 में अंडर 18 में किसने जीता तो हरियाणा ने जीत लिया है कौन सा कौन सा ये टूर्नामेंट था तो ये था आपका तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने जीता हरियाणा ने जीता अंडर 18 ठीक है तो हॉकी हरियाणा विमेन ने क्या किया है यहां पे जीत लिया है अंडर 18 क्वालिफाई कर चुके हैं और इन्होंने किसको हराया था मध्य प्रदेश को हराया तो आप समझ लेंगे कि मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे आए तो ये कहां पे हुआ ये मैच ये भुवनेश्वर में ये मैच हुआ और फाइनल्स में आपने नाम याद रखना है पूजा और गुड़मेल कौर का इन्होंने स्कोर किया ये दोनों ने ईच यानी कि एक एक स्कोर किया फॉर हरियाणा और हरियाणा जो है वो फंटेक्स के एंड में हरियाणा जीत चुका है राइट तो उसके बाद आप देखेंगे कि ओडिशा स्टेप्ड अप एट द थर्ड प्लेस तो तीसरे प्लेस पे कौन सा है ओडिशा है आफ्टर बीटिंग हॉकी झारखंड तो झारखंड किस स्थान पे हो गया फोर्थ स्थान पे हो गया तो ओडिशा थर्ड और झारखंड फोर्थ स्थान पे हरियाणा फर्स्ट पे हो गया है हरियाणा फर्स्ट पे है और मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश यहां पे सेकंड स्थान पे है ठीक है तो ओडिशा और झारखंड ने भी हैव क्वालिफाइड फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेमेन टू बी हेल्ड इन मध्य प्रदेश नेक्स्ट ईयर तो कहा जा रहा है कि ये मैचेस जो है मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को में खेलने के लिए क्वालिफायर मैचेस थे और इसको किस इसको किसने जीता हरियाणा हरियाणा ने ने का का ये बात चल रहा है है अंडर 18 का, तो ने जीत लिया है। अब हम थोड़े ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं ब्रांड में कहा जा रहा है किलर जींस आपने सुना होगा ना किलर जींस है, किलर जीन्स बनाती है। तो बीसीसीआई ने यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई ने अभी रिप्लेस किया हैज फाउंड अ रिप्लेसमेंट क्या किस चीज के लिए फॉर टू जर्सी स्पॉन्सर्स ऑफ टीम इंडिया तो अभी टीम इंडिया के जो जर्सी स्पोंसर्स हैं जो ये शर्ट पहनते हैं उसके स्पोंसर्स को रिप्लेस किया गया है और अब आप देखेंगे कि दो किलर जींस बनाता है केकेसीएल ये ऑफिशियल पार्टनर हो जाएगा इंडियन क्रिकेट का फॉर फाइव मंथ्स यानी कि ये 31 मई 2023 तक रहेगा केकेसीएल जो है ये और भी ब्रांड ओन करता है जैसे लॉमेन आपने सुना होगा या इंटीग्रिटी तो रिप्लेसिंग गेम फर्म्स फर्म एमपीएल ठीक है तो अब कौन सा ब्रांड स्पॉन्सर्स रहेगा जर्सी के लिए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि के के सी एल जो कि किलर जीन्स बनाते हैं ये इसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे फाइन तो एमपीएल को रिप्लेस करके के के सी एल अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर रहेगा है ना समझ गए आप चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहां पे है हम्पी इनका नाम है इन्होंने ब्लिस में सिल्वर मेडल जीता है 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 नाम इन्होंने में जीता 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 ने क्या कौन सा तो फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन है के हम्पी और इन्होंने क्या किया है सुपर डेटिव परफॉर्मेंस दिया है और भारत का पहला फर्स्ट एवर्ड है ना तो शतरंज में भारत के लिए पहला रजत पदक रजत यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है किस चीज में जीता है वर्ल्ड ब्लिट्स चेस में और ये कहां हुआ ये अलमेटी कजाकिस्तान में हुआ यह अल्माटी कजाकिस्तान में हुआ है है ना और फोर्थ सीड हम्पी हम्पी ने यहां पे बहुत अच्छा स्कोर किया है 12.5 और जो गोल्ड मेडल जो जीती हैं है ना तो गोल्ड मेडल जो जीती है वो कजाकिस्तान की उनका स्कोर 13 है यानी कि सिर्फ हाफ अ पॉइंट बिहाइंड सिर्फ आधा पॉइंट इनको कम आया गोल्ड मेडल से ठीक है तो हम पे जो है ये सेकेंड इंडियन है जो कि यहाँ पे ब्लिज में एक मेडल जीती है इसके पहले विश्वनाथ आनंद ने चेस चैंपियनशिप जो कि बहुत बड़ा चैंपियनशिप है वर्ल्ड ब्लिज में तो यहां पे इन्होंने भी मेडल जीत लिया है थर्ड हमारा टॉप नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीसीसीआई ने अनाउंस किया यो टेस्ट तो फिटनेस के लिए बीच में इसको बंद कर दिया गया था लेकिन अब फिर से योयो टेस्ट जो है वो इंडियन सिलेक्शन का पार्ट हो गया है योयो टेस्ट के साथ आप देखेंगे डेक्सा Uh, जो है ये भी पार्ट हो चुका है तो यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया इसने अभी अनाउंस किया है कि योयो -यो और डेक्सा ये दोनों भारत के सिलेक्शन क्राइटेरिया का पार्ट रहेगा और ये हम क्यों कर रहे हैं वर्ल्ड कप होने वाला है दो में तो वर्ल्ड कप के लिए रोड रोडमैप बन रहा है है ना आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इसके लिए इस रोड मैप को बनाया जाएगा जो कि अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल है और कहां पे होने वाला है ये अपने भारत में होने वाला है राइट तो इसको आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे तो स्वराष्ट्र के स्वराष्ट्र के प्लेयर हैं रणजी ट्रॉफी की बात की जा रही है इनका नाम है जयदेव उनादकट ठीक है तो इन्होंने क्या किया है उनादकट जो हैं जयदेव उनादकट इन्होंने सौराष्ट्र के ये प्लेयर हैं और ये पहले बॉलर हैं जो कि हैट्रिक ले चुके हैं ओपनिंग ओवर में ओपनिंग ओवर में ठीक है फर्स्ट ओवर है और डक पे आप लोग जानते हैं डक पे सबको यानी कि सभी को, को शून्य पर चले गए किसको कौ, कौन कौन सा नाम हम लेंगे ये लेफ्ट आर्म पेसर है यानी कि फास्ट बॉलिंग करते हैं ये दिल्ली के खिलाफ खेल रहे थे और एडिंग टू और मोर इन नेक्स्ट ओवर ठीक है इन्होंने अपने कर, आ, क्रिकेट करियर में आप देख सकते हैं कि ध्रुव श्रॉय रावल और कैप्टन कैप्टन खुद यंग यश यश धुल ये सब जो है ये डक पे आउट हो गए किसके तो जयदेव उनादकट के हैट्रिक इन्होंने बनाया है रणजी ट्रॉफी में नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने थर्सडे यानी कि जो आपका मतलब करंट अफेयर्स का था तो पे पे क्या किया थर्सडे का दिन था हॉकी स्टेडियम राउर केला में ये बना ठीक है राउर केला में इसको खोला गया और ये आप जान सकते हैं कि ये मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए बनाया गया है है ना इसका एस्टिमेट कहा जा रहा है कि करीबन दो इकसठ uh, करोड़ यानी कि 261 करोड़ रुपए यहाँ पे लगेंगे इस स्टेडियम को बनाने में और ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इसका नाम रखा गया है ठीक है तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरुषों के हॉकी विश्व कप के लिए 2023 में जो होने वाला है से पहले राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियमों में से एक का उद्घाटन किया है सुंदरगढ़ जिले में यह स्थित है स्टेडियम 261 करोड़ रुपए 261 करोड़ रुपए में यह बना है इसकी लागत से और इसका नाम क्या रखा गया है तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इसका नाम रखा गया है ठीक है नेक्स्ट हम चलेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल के लिए कोई स्टैचू बना है ब्लिंडा क्लार्क ब्लिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की हैं और ब्लिंडा क्लार्क जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं पहली ऐसी फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर ये बनी है जिनके लिए स्टैचू कास्ट किया गया है ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है ठीक है ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है स्टैचू यहां पे आप देख सकते हैं राइट right. और ये स्टैचू जो है ये कहां पे बनाया गया है तो अनवील्ड आउटसाइड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड तो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है यहां पे ये कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल क्रिकेटर के लिए बनाया गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांस्य की मूर्ति है और ब्लिंडा क्लार्क है यहाँ पे अब देखेंगे सेवेंटी एट्थ जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे यानी कि चेस में ये कौस्त चैटर्जी है सेवेंटी एट्थ ग्रैंड मास्टर वेस्ट बंगाल के हैं और जस्ट इनके बाद सेवेंटी नाइन्थ भी अनाउंस हो गया तो प्रनेश एम जो है ये ग्रैंड मास्टर है सेवेंटी नाइन्थ ये सेवेंटी नाइन्थ है कौस्तफ चैटर्जी जो है वो उन्नीस साल के हैं और प्रणेश जो है प्रणेश कितने साल के हैं तो प्रणेश ये सोलह साल के हैं और इन्होंने स्टॉकहोम में काफी अच्छा प्रदर्शन किया नेक्स्ट हम देखेंगे तो हैदराबाद जो है ये होस्ट करने वाला है हमारे देश का पहला एफ वन ठीक है फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप तो सबसे पहला टिकट जो है इसमें कहा किसने लिया है स्पेशल चीफ सेक्रेटरी है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव अरविंद कुमार इन्होंने सबसे पहला टिकट लिया है और इस इवेंट के दौरान अकबर इब्राहिम जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के और बाकी डिग्नेट्रीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये आपने पूछा आपको क्या पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे हो रहा है तो ये तेलंगाना में हो रहा है ठीक है तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद याद रखिए आप सबसे अच्छा यही है कि आप हैदराबाद याद रखिये तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद में ये होने वाला है आपका ड्रेस फाइन नेक्स्ट आप टॉपिक देखेंगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में ये कहाँ पे होगा तो ये मध्य प्रदेश भोपाल में होगा अभी अभी हमने पढ़ा है कि हरियाणा टॉप पे आया और जब अंडर 18 की बात की गई हॉकी में ताकि वो इस गेम में क्वालिफाई कर सके मतलब इस गेम को खेलने के लिए वो क्वालिफाई करे राइट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने उद्घाटन किया इन्होंने उद्घाटन किया किस चीज़ का एंथम का मैस्कॉट का और स्मार्ट टॉर्च का ठीक है फिफ्थ एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का और यह होने वाला है यहां पे इसी के साथ साथ यहाँ पे नीतीश प्रमाणिक भी थे जो कि स्पोर्ट्स एमओ एस है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में है और मंत्री है राइट और यहां पे ये यह भोपाल में थे फाइन आठ डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का रहेगा यहां पे इसको खेला जाएगा मलखम और वाटर स्पोर्ट्स भी इसमें पहली बार खेले जाएंगे तो हमारा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये आप जान गए हैं कि मध्य प्रदेश भोपाल में इसका मतलब स्टार्ट किया गया है इसको यहां पे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान थे और स्पोर्ट्स में ऐसे स्पोर्ट्स मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हैं वो यहाँ है नीतीश इनका नाम है नीतीश प्रमाणिक है ना ये यहाँ पे है साथ ही साथ दो जो नए गेम्स यहाँ पे आयोजित किए गए हैं वो मलखम है मलखम एक तरह का मार्शल आर्ट है मार्शल आर्ट जो पहलवान लोग करते हैं ठीक है ठीके? और साथ ही साथ यहाँ पे जो जल जल के स्पोर्ट्स है, हैं ठीक है खेल है वाटर स्पोर्ट्स को भी पहली बार इसमें डाला गया है साथ ही यह आपका 30 से 11 चलेगा, हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो इसका आपका एंथम है। और साथ आप देख जो चीता है आशा इसका नाम रखा गया है ठीक है चीता आशा मोदी जी ने खुद इसका मैस्कॉट का नाम रखा है आशा और इसका नाम क्या है यह क्या है? एक चीता है तो इसको मैस्कॉट डाला गया है साथ ही साथ एक स्मार्ट टॉर्च ठीक है तो साथ ही साथ यहां पे एक स्मार्ट टॉर्च का भी अनावरण किया गया है सानम मिर्जा ने अनाउंस कर दिया है कि ये अब रिटायरमेंट uh, ले लेंगी ले यानी कि ये सानिया मिर्जा जो है इन्होंने अपना अनाउंसमेंट रिटायर अनाउंस uh, कर दिया है अपना रिटायरमेंट और वर्ल्ड नंबर वन में ये थी कब जब बेसिकली ये वर्ल्ड नंबर में फॉर्मर डबल्स में थे ठीक है तो डबल्स यानी सिंगल्स में नहीं थी जब दो लोग खेलते हैं तो डबल्स में आते हैं तो ये वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर है और अब इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये रिटायरमेंट लेने वाली है आप सभी ने सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा नोवाक जोकोविच सेव चैंपियंस पॉइंट टू बीट कॉर्डा टू एडिलेट टाइटल तो एडिलेट का जो

ठीक है तो नडाल जोकोविच जो हैं ये इनके साथ-साथ ठीक साथ, है ये आ चुके हैं और फिर आप देख सकते हैं कि किसने यहाँ पे कितने जीते हैं तो आप देखें तो जिम कोनोर जो है 109 जीत चुके हैं रोजर फेडरर 103 जीत चुके हैं इवान इवान लंडल जो है ये 94 जीत चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि 92 किसने किसने जीता है नोवाक जोकोविच है राफेल नडाल है और साथ ही साथ आप यहां पे की की तो सावालेंका सावा ने जीता है ठीक है अरण्य अरण्य सावालेंका ने जीता है और ये जो है वुमेन सिंगल्स में इन्होंने किसको हराया लिंडा नोस्कोवा को हराया है लिंडा नोस्कोवा कहाँ की है चेक रिपब्लिक की है लिंडा कहाँ की है चेक रिपब्लिक की है और अनन्या सावलेखा यहाँ पे जीत चुकी है फाइन तो वीमेन्स फाइनल में किसने जीता है तो इसको आप याद रखिएगा नेक्स्ट आप देखेंगे अनिश गिरी है भारतीय ओरिजिन के हैं लेकिन ये डच प्लेयर है यानी कि नेदरलैंड्स के हैं और इन्होंने कौन सा मेडल अभी कौन किस चीज को जीता है तो ये चेस में इन्होंने टाटा स्टील टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीत लिया है ठीक है तो अनिश गिरी आप याद रखिएगा अनिश गिरी ये टाटा चेस के का हुआ था टाटा मास्टर्स तो ये 2023 में इन्होंने जीता है इसको आपको याद रखना है नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये आपकी एक सेंसेशनल अंडर 15 सेंसेशनल गर्ल अनहंता सिंह इन्होंने गर्ल्स अंडर 15 स्क्वाश खेलती हैं ये तो ये लॉन टेनिस की तरह ही होता है लेकिन सामने कोई प्लेयर नहीं होता है, एक वॉल होता है तो ये स्क्वाश खेलती हैं और ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में इन्होंने ये जीत चुकी हैं ये वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर है ये यंगेस्ट प्लेयर थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 में शी वन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट ऑफ द सीजन बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने यहाँ पे भी जीत हासिल की थी राइट सूर्य कुमार यादव के बारे में है कि ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं 1500 रन मारने वाले टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ बॉल फेल्स ठीक है और इन्होंने सिर्फ 843 बॉल्स में टू रीच हिज लैंडमार्क लैंडमार्क ये लैंडमार्क पे पहुंचे हैं इन फोर्टी फाइव मैचेस एंड फोर्टी थ्री इनिंग्स ठीक है 45 matches innings, तो फोर्टी फाइव मैचेस में फोर्टी थ्री इनिंग्स खेली है साथ ही साथ ये वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी रन बना चुके हैं कितने बॉल्स में तो यहाँ पे एवरेज देखा जाए अगर एवरेज अगर देखा जाए क्योंकि ये फास्टेस्ट यानी कि इन्होंने सबसे कम बॉल लिया एवरेज देखा जाए तो ये सब में 46.41 स्कोर uh, कर ही रहे तो इनका एवरेज जो रन रेट है वो फोर्टी सिक्स है खेली है एट हंड्रेड एंड तक फेस किए हैं और था रनों इन्होंने स्कोर किए हैं क्रिकेट के बारे में और भी न्यूज देखें तो विराट कोहली स्लैम्स फोर्टी फिफ्थ ओडीआई सेंचुरी इक्वल सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड अब विराट कोहली ने क्या किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने रन इन्होंने मारे हैं विराट कोहली हो गए सचिन तेंदुलकर हो गए हार्षि मामला हो गया अभी इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया रिंग पॉइंटिंग तो बहुत पहले रिटायर कर गया था रॉस टेलर हो गए ठीक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस दिए हुए हैं यहाँ इनिंग्स दी हुई है फाइन यहाँ पे इनिंग्स दी हुई है।, है और यहाँ सेंचुरीज दिए गए हैं ठीक है तो इनिंग्स अगर देखेंगे तो विराट कोहली ने निन्यानवे खेले हैं और सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे 164 इनिंग्स खेली है जिसमें विराट कोहली ने भी 20 सेंचुरी मार लिया है और सचिन तेंदुलकर ने भी 20 सेंचुरी मार लिया है तो विराट कोहली जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड किया है फर्स्ट सेंचुरी बाय इंडियन इन 2023 अगेंस्ट श्रीलंका ठीक है तो ये पहले ऐसे इंडियन है जो श्रीलंका के खिलाफ ठीक फर्स है फर्स्ट सेंचुरी में आए हैं इन फर्स्ट ओडीआई इंटरनेशनल ये कहां पे हुआ था तो बड़सपाड़ा में बड़सपाड़ा बारा क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में है यहाँ पे हुआ ये 113 uh, 113 रन बनाए 87 बॉल में ठीक है और अब ये किस चीज के बराबर आ गए हैं तो सचिन तेंदुलकर के बराबर आ चुके हैं अगर हम सेंचुरीज की बात करेंगे इसी के साथ साथ विराट कोहली जो है ये फिफ्थ फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर भी है ओडीआई की अगर हम बात करेंगे तो विराट कोहली जो है ये फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर है ओडीआई की अगर हम बात करेंगे ये महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ चुके हैं और ये फिफ्थ स्कोरर में आ चुके हैं है ना तो विराट कोहली जो है फिफ्थ हाइएस्ट रन स्कोर है ओडीआई की बात करें तो हॉकी इंडिया मेटावर्स में आ चुका है आप लोगों ने मेटावर्स की बहुत सारी अब ए आई टेक्नोलॉजी आ गया है तो हमारे देश से अगर आपको क्वेश्चन आएगा मेटावर्स में जाने वाला पहला, पहला स्पोर्ट्स तो आपको लगेगा कि क्रिकेट है लेकिन नहीं ये हॉकी इंडिया है ये कम, ये आपको याद रखना है फाइन नेक्स्ट आप देखेंगे स्क्वा गेम है ये जो ऐसे खेला जाता है इसका फोटो इसलिए मैंने डाल दिया ताकि आपको डाउट ना हो स्क्वा गेम जो है ये ग्यारह साल की फलक मुमताज है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है यहाँ पे इन्होंने नेशनल स्क्वा गेम में क्या जीता तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ठीक है तो फलक मुमताज आपको इसको याद रखना है नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है पे मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊंगी गूगल का डूडल चेंज किया गया था ठीक है तो गूगल के डूडल ने क्या किया नाइन्टी सेवेंथ बर्थ एनिवर्सरी पे ऑनर किया किसको काशबा दादा साहेब यादव को काशबा दादा साहेब यादव जो हैं ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि आजाद भारत में इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेके आए थे ठीक है तो यहां पे आप देखेंगे काशपाल यादव ये इंडियन रेसलर्स हैं, ठीक है तो ये भारतीय पहलवान है और नाइनटी सेवनवा जन्मदिन जो कि 15 जनवरी को गूगल के डूडल ने इसको एक साथ मनाया साथ ही साथ देखेंगे तो जादव जो है इनको हम पॉकेट डायनोमो भी कहते हैं पॉकेट डायनोमो कहते हैं क्योंकि ये अपने लेग वर्क को लेके काफी ज्यादा फेमस है इनका लेग वर्क बहुत फास्ट था और ये पहले ऐसे एथलीट थे जो कि आजाद भारत में भारत के लिए ओलंपिक पदक लेके आए थे तो ये एक स्वतंत्र भारत में भारत भारत के लिए ओलंपिक पदक लेके आए हैं और ये प्रसिद्ध एथलीट हैं साथ ही साथ आप देखें तो इन्होंने जो समर ओलंपिक्स हुआ था कहाँ पे तो हेलसिंकी में ये हुआ था यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ठीक है ब्रॉन्ज मेडल और हिज फर्स्ट नोटेबल एकम्पलिशमेंट क्या कि ये 1952 में सबसे पहले एथलीट जो कि भारत के लिए कोई भी मेडल लेकर आए थे तो वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे हेलसिंकी में ये समर ओलंपिक्स हुआ था राइट ये आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ आप देखेंगे कि अभी तक हमने इनको कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं दिया था लेकिन फिर 2000 में इनको सम्मान मिला तो ये देखेगा इंडिपेंडेंट भारत में लाने वाले ये पहले ऐसे ओलंपिक बने ओलंपियन बने और साथ ही साथ आप देखें कि इनको अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा अवार्ड नहीं दिया गया लेकिन 2000 में फिर इनको अर्जुन अवार्ड से पोस्ट थॉमसली यानी कि मरणोपरांत इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो कभी कभी हम ये अनसंग हीरो भूल जाते हैं राइट इन अनसंग हीरो को भूल जाते हैं इनको भी हमको डेकोरेट करने करना चाहिए ये मतलब सरकार को इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए राइट वायोकॉम एटीन वायोकॉम एटीन क्या है कंपनी है आप लोगों ने देखा होगा वायोकॉम एटीन तो ये विमेन आईपीएल जो होने वाला है इसके मीडिया राइट्स को वायोकॉम एटीन ने पांच साल के लिए खरीद लिया है नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया है नेक्स्ट आप देखेंगे तो इनका नाम है यामागुशी और इनका नाम है विक्टर एक्सेलसन ये दोनों बैडमिंटन खेलते हैं तो यहाँ पे यकन यामागुशी और विक्टर विक्टर एक्सेलसन इन दोनों ने पदक जीता है किस चीज के लिए पदक जीता है तो मलेशिया ओपन के लिए इन्होंने पदक जीता है सुपर थाउजेंड बैडमिंटन में ठीक है तो इन दोनों ने क्वालामपुर मलेशिया में ये हुआ और यामा गुशी और विक्टर एक्सेलसन इन दोनों ने पदक जीत लिया है मलेशिया ओपन बैडमिंटन में फाइन नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये स्पैनिश सुपर कप के बारे में है स्पैनिश सुपर कप ये आपका फुटबॉल में खेला जाता है है ना फुटबॉल के लिए खेला जाता है और uh, स्पैनिश सुपर कप में दिखाया जा रहा है कि बार्सिलोना ने किसको हरा दिया है तो बार्सिलोना ने रियाल मैड्रेड को हरा दिया है फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट मोस्ट नंबर ऑफ सिक्स की बात की जाए तो रोहित शर्मा जो है 125 मार चुके हैं धोनी 123 और युवराज सिंह 71 ये ओडीआई मैचेस में है रोहित शर्मा ने बढ़त हासिल कर ली है उसके बाद आप देखें तो आपने अभी तक पंकज आडवाणी का नाम सुना होगा जब भी आप स्नूकर या बिलर्ड्स का नाम देखते हैं तो अब हम भारत से एक और सेंसेशन से मिलेंगे इनका नाम है लक्ष्मण रावत लक्ष्मण रावत जो है ये नेशनल स्पोर्ट्स क्लब भारत में भारत स्नूकर ओपन क्राउन 2023 को जीत चुके हैं अगला आप देखें कोरियन सेंसेशन है यान सियोंग यान सियांग जो हैं ये जीत चुकी हैं वुमेन्स सिंगल्स सिंगल फाइनल किस चीज में इंपॉर्टेंट इसलिए इंडिया ओपन में जीत चुकी हैं तो कोरियन कोरिया की है यान सियोंग और इंडियन ओपन में इन्होंने डी जादव इंडोर स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है इंडियन ओपन में इन्होंने जीत लिया है ही सियोंग जो है ये वर्ल्ड नंबर वन जो अभी हमने देखा था याकैन यामागोशी जो कि मलेशियन ओपन जीती इनको 15 21 21 16 और 21 12 से हराकर इंडियन ओपन जीत चुकी हैं और पुरुष में अगर हम देखेंगे तो ये आपके थाईलैंड के हैं थाईलैंड के शटलर है कुलाबूत सरन इनका नाम है ठीक है सरन इनका नाम है और इंडियन ओपन इन्होंने जीत लिया है बैडमिंटन टाइटल्स में मेन में, में फाइन अगर हम देखें मोस्ट फॉलोड तो जितना सोशल मीडिया है उस पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है आईसीसी को उसके बाद फीफा है उसके बाद फीफा है ठीक है तो फीफा का क्रेज ऐसा वर्ल्ड वाइड ज्यादा है लेकिन नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो आईसीसी है फिर से आईपीएल का जब यहाँ पे बात चल रहा था तो आईपीएल में आप देखेंगे विमेन आईपीएल तो अडानी का जो कंपनी है अडानी की कंपनी ने अहमदाबाद टीम को खरीदा है सबसे बड़ा बिड अहमदाबाद टीम का लगा तो अडानी कंपनी ने इसको खरीद लिया है साथ ही साथ आप देखें कि इंडिया ने ये जनवरी का आपका स्पोर्ट्स का सबसे लास्ट टॉपिक है तो इंडिया ने श्रीलंका को सबसे बड़े बिग हराया है तो अगर हम देखें कि श्रीलंका को कम्प्लीटली तो तो के साथ इंडिया को इंडिया ने श्रीलंका को हराया है तो ये रहे आपके जनवरी के सारे स्पोर्ट्स जनवरी के सारे सेगमेंट्स को हम कवर करेंगे जो भी आपके करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप ये भी जान ले कि हम आपके सारे जितने भी मंथ्स हैं उसको यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं थैंक यू फॉर द सेशन होपफुली यू लाइक डेट जय हिंद